प्रिय दर्शकगणों, आप सबको ये खुशी का समाचार सुनाया जा रहा है कि ये लक्ष्मी थिएटर संगीत पार्टी एंड बांगरमऊ, जिसके अध्यक्ष हैं जनाब श्री गेंदा सिंह जी, गेंदालाल मास्टर, और माध्यम श्री हंसराज हंस के डायरेक्शन में ये यहाँ सोनाटेक कैसेट बनाई जा रही है, जिसका भक्त पूरनमल नौटंकी आपके सामने आज दिखाई जाएगी, और सभी कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं, मथुरा एवं कानपुर लखनऊ। सर्वश्री श्रीमती लता रानी जो इस पार्टी की हीरोइन है, और ब्रज गोखला का जिनको खिताब है, जो कि आकाशवाणी मथुरा और दूरदर्शन सभी केंद्रों से वो आर्टिस्ट हैं, और मास्टर विष्णुदत्त शर्मा एवं मास्टर अशोक और मास्टर गेंदालाल, मास्टर जहान सिंह और मास्टर मुंशीलाल हास्य कलाकार, मास्टर लोचन बांगरमऊ और मास्टर झल्लू बांगरमऊ, और जिसके वाद्य संगीत डायरेक्टर हैं हारमोनियम पर मास्टर देवी सिंह नगर राजस्थान, और नक्काड़ा वादक हैं उस्ताद सतवीर, और उनकी संगत कर रहे हैं साथ में ढोलक वाद्य कलाकार मास्टर प्रेम कुमार नागर, अलीगढ़ जारोट निवासी, और इनके साथ साथ डांसरी में देखेंगे आप कुमारी सपना को जिला मथुरा, और अन्य कलाकारों के साथ आप देखिए आज का मशहूर नौटंकी भक्त पूरनमल, पंजाब का जती। अब हम भगवान वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। गिरधारी रखलाज हमारी, गिरवरधारी कृष्ण मुरारी, हे बनवारी सा सब जग के आधार, तेरी महिमा अपरंपार, सब जग के आधार, तेरी महिमा अपरंपार,
लहराएगा अमर तिरंगा इज्जत और ईमान से, टकरा लेंगे हम मत वाले हर आंधी तूफान से। लहराएगा अमर तिरंगा इज्जत और ईमान से, टकरा लेंगे हम मत वाले हर आंधी तूफान से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये जंग हमारा पहला दुश्मन हमने उसे दबाया है, में पछताया है। सौ सौ बार समझ लेंगे इसके लिए जहान से, टकरा लेंगे हम मत वाले हरानी तूफान से। और जगम शर्मा है वाले हिंदुस्तान से, टकरा लेंगे हम मत वाले हर आंधी तूफान से। जब तक अंबर के आंचल में सूरज चांद सितारे हैं, जब तक अंबर के आंचल में सूरज चांद सितारे हैं, खून में जब तक दम है तब तक हम अंगारे हैं। तक सारा देश ये गौरव और गुमान से, टकरा लेंगे हम मत वाले हर आंधी तूफान से। और कौन हमारी बहती बाजी देखे हाथ बिगाड़ेगा, कौन हमारी बहती बाजी देखे हाथ बिगाड़ेगा। गुलशन का इसको कौन उजाड़ेगा, है वो इस गुलशन का इसको कौन उजाड़ेगा। और माली है वो इस गुलशन का इसको कौन उजाड़ेगा, माली है वो इस गुलशन का इसको कौन उजाड़ेगा। जर्रा जर्रा मुस्काता है यहाँ निराली शान से, टकरा लेंगे हम मत वाले आनंदी तूफान से। भारत माता की, महात्मा गांधी की, अमर शहीदों की जय जवान जय जवान, बोले कि राज महाराज की जयकारे में आनंद नहीं आया। एक साथ प्रेम से गिरिराज महाराज की जय बोलें। गिरिराज महाराज की महिमा तो बहुत बहुत दूर तक है। एक बार सभी दर्शक लोग मिलके गिरिराज महाराज की जय में जोर लगा दें। बोला गिरिराज महाराज की, बोला आज के आनंद की, बोला बजरंग बली की। अब आपके सामने आदरणीय मास्टर विष्णु कुमार शर्मा जी पेश हो रहे हैं एक रागनी लेकर के। आपस की तो फूट जगत में। प्यारे भाइयों, ये एक रागनी नहीं बल्कि नसीहत है। आपस की तो फूट जगत में, फिर सबसे बुरी बताई
ओ घर का भेदी लंका ढावे वो दुनिया कहती आई रे, दुनिया कहती आई आपस की तो पूरी जगत में, आपस की तो पूरी जगत में सबसे बुरी बताई वो घर का भेदी लंका ढावे वो दुनिया कहती आई रे, दुनिया कहती आई। रामचंद्र ने मार दिया तब राज विभीषण पाया, राज विभीषण पाया तेरे बाली ने सुग्रीव के संग में भारी जुलम कमाया, और भाई की तो औरत लूटी ना पापी शर्माया रे, उसके बदले उस बाली ने उसके बदले उस बाली ने सजा मौत की पाई, घर का भेदी लंका ढावे ये दुनिया कहती आई रे, दुनिया कहती आई। बनया राज अधिकारी भाई, बनया राज अधिकारी तेरे माँ का पाके उन पांडवों को बना दिया था जारी, काफ़ रखी गई थी रे देखो द्रौपदी जैसी नारी, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की हुई रे लड़ाई, घर का भेदी लंका ढावे ये दुनिया कहती आई रे, दुनिया कहती आई आपस की तो खूब जगत में, धन्यवाद। अब आपके सामने एक गीत लेकर आ रहे हैं श्री गेंदालाल बांगरमऊ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है जो आज हमारे गुरुदेव हमारे सामने बाजे में संगत कर रहे हैं, मास्टर देवीलाल जी और प्रेम और सतबीर जी, इन सब भाइयों की कृपा से, इन सब भाइयों के सहयोग से आज जो भी कुछ मैं हूँ, धन्यवाद शुक्रिया। तिलक सब छीन रे मोसे ने मिलाई के, चापु तिलक सब छीन रे मोसे ने मिलाई के,
नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के सब पुतलक सब चीनी मोसे नैना मिलाई के पुतलकी सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के बल बल जाबू में तोरी रंग दे जीवा बल बल जाबू में तोरी रंग दे जीवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा तोरे रंग रे जीवा तोरे रंग रे जीवा अपने ही रंग रंग लीनी रे मोसे नैना मिलाई के अपने ही रंग रंग लीनी रे मोसे नैना मिलाई नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के चापुतलकी सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के गोरी गोरी बहियों में गोरी गोरी बहियों में हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हो बहिया पकड़ी हरी लीनी रे मोसे नैना मिलाई के बहिया पकड़ी हरी लीनी रे मोसे नैना मिलाई मोसे नैना मिलाई के नैना मिला के मोसे नैना मिलाई के चापुतलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के चापुतलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई। अब लीजिए आपके सामने हास्य कलाकार आपके सामने मास्टर मुंशीलाल जी पेश हो रहे हैं। राम राम भाई लोगों, अभी अभी आपके सामने गैनालाल मास्टर जी मुझसे नैना मिलाए के सुना रहे थे। हर कलाकार बारी बारी से आपकी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं भी इन्हीं कलाकारों के बीच में पैदा होकर के आ गया हूँ। तो लीजिए सुनिए एक हास्यरस की कविता मैं भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आजकल मेरे देश में बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे प्यारे भाई दर्शक लोग उस पर अमल नहीं करते कि मेरे देश में क्या हो रहा है। तो लीजिए देश के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि मेरा देश तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ी तरक्की हो रही है मेरे देश में। मेरा देश तरक्की कर रहा है, दिन रात आदमी मर रहा है, आगे से चूहा घुसे नहीं पीछे से ऊंट भर रहा है। आजकल मेरे देश में बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैली हुई हैं, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। वो कौन सी बीमारी?
फैशन की फैली बीमारी, फैशन की फैली बीमारी, कोई नए बच्चो नर और नारी चोली ऊपर को सरक रही, कुर्ता पामन में पर रो, मेरो देश तरक्की कर रो, ढूंढे उसे ना चरित्र मिले, आप ढूंढे उसे ना चरित्र मिले, पैसा उन पवित्र मिले, दिन रात कमाई कर रो तो लालच में पर रो, मेरो देश तरक्की कर रो। जब से आजादी आई है मेरे भारत वर्ष में, जब से आजादी आई है दिन दूनी बढ़ रही महंगाई है, मोटू पर मोटा पंछायो, पतरो नित पतरो पर रो, मेरो देश तरक्की कर रो। भूले सब गीता रामायण, पहले गीता रामायण सत्संग भागवत हुआ करती थी, और अब क्या होता है, भूले सब गीता रामायण सत्संग बंद भय पारायण, अब टीवी और बीबी संग लगी बज्जाई में दिना गुजर रो, मेरा देश तरक्की कर रो। मेरा भारत देश, मेरा भारत देश एक सब देशों से महान देश है, मेरा भारत देश महर रहा ये सदा गुड़ी जनों की खान रहा, अब जाने का है गयो घर घर में धुंध पसर रो, मेरो देश तरक्की कर रो, रात आदमी मर रो, दरवाजे से चूहा घुसनी पीछे थे ऊंट बाबर रो। ये रही हास्यरस की कविता देश के ऊपर, अब लीजिए सुनिए एक ब्रज का लोकगीत। जब कृष्ण भगवान को नजर लग गई, कृष्ण भगवान को नजर लग गई तो मैया जसोदा ललता सखी और विशाखा सखी तो क्या कह रही हैं, अरे ओ ललता सखी अरे विशाखा सखी देखियो देखियो मेरे कन्हैया को का है गए हो, अरे कौन सी ने अरे काउसी ने मार दियो री दोना, अरे काउसी ने मार दियो री दोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना, काउसी ने मार दियो री दोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना, मचलो शाम सलोना सखी मेरो मचलो शाम सलोना, काउसी ने मार दियो री दोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना। अरे कृष्ण कन्हैया दही ना खावे लाला दूध ना पीवे नैले माखन नाना, दही ना खावे लाला दूध ना पीवा और नैले माखन लोना, और रो रो रुधन करे मेरा लाला, रो रो रुधन करे मेरा लाला, अरे तोड़ दिया है खिलौना, काउसी ने मार दियो री दोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना, ये बात है। अरे कृष्ण कन्हैया मैंने तो तोसू पहले ही मना करी, और पहले ही मना करी मैंने तोसू इन सखियन संग न जाना, और इन सखियन की नजर बुरी है, और इन गोपिन की नजर बुरी है, और कर गई जादू टोना, काउसी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना। ब्रजभाषा कार्यक्रम समाप्त हुआ, ये आकाशवाणी सोनाटेक कंपनी है, आप लोगों की अत्यंत फरमाइश के ऊपर बड़ी नजाकत के साथ बड़ी अदा के साथ मैं भीतर जा रहा हूं। बोलिए मंच पर उपस्थित तो होने जा रही हैं सपना कुमारी, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है
थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, फिर भी तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है। जिंदगी के सफर में बस गया तू ही तू, अब तो मेरी नजर में कौन सा मोड़ आया, जिंदगी के सफर में बस गया तू ही तू, अब तो मेरी नजर में तेरी ये एक धड़कन मुझको पहचानती है, तेरा हो जाऊंगा मैं इतना बस जानती है। मैं तुझे जान गई हो, तुझको पहचान गई, फिर भी तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार में, इसलिए सोचती हूँ तोड़ दूँ सारी रस्में, मुझको ये क्या हुआ है, दिल नहीं मेरा बस में, इसलिए सोचती हूँ तोड़ दूँ सारी कसमें, उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं हाथों में हाथ दे दे।
लीजिए तो आप, आपका मनोरंजन हुआ, अब लीजिए सुनिए नौटंकी भक्त पूरन मल। भक्त पूरन मल पंजाब का जती, मौसी का प्यार देखना ना भूले मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया तमाशा है हाथरस शैली में, जिसमें के महाराजा फूल चक्र का रोल करने आ रहे हैं मास्टर जी जहान सिंह सिसोदिया जी। आई महाराज के जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो मंत्री वर। महाराज हमने आज एक विचार किया है। क्या विचार किया है? हमारी लड़के फूलंदे है जी, ब्याह के योग्य हो चुकी है। अच्छा तो कहीं शादी कर दो उनके? शादी इस तरीके से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे आप? 12 मन तेल होगा। 12 मन तेल होगा। अच्छा तौल के कढ़ाई के अंदर, और ऊपर एक मछली टंगी होगी। ऊपर एक मछली टांगी जाएगी? टांगी जाएगी। तेल की परछाई को देख करके जो राजा मीन को मार देगा उसी के साथ में लड़की फूलंदे का विवाह कर दिया जाएगा। जय हो जय हो। ये तो बहुत कठिन प्रतिज्ञा है आपकी। हाँ देश के जितने भी राजा हैं जी सबके पास खबर भिजवा दी जाए, और फूल चक्र महाराज शंखपति महाराज श्यालकोट के रहने वाले हैं, उनके पास स्वयं पत्र लेकर के तुम जाओगी। मैं जाऊं? हाँ पंजाब में श्यालकोट? हाँ जो जा सकते हो। हुजूर मुझे चाय पीने का ज्यादा शौक है। चाय पिला दी जाएगी। 1 घंटे में 64 चाय पी लेता हूँ। चिंता मत करिए। जो प्रणाम महाराज। खुश रहो। कहो भाई कहाँ से आना हो रहा है आपका? मैं कुसुम नगर से आया हूँ। ओ कुसुम नगर महाराज फूल चक्र यहाँ से। कहो क्या पैगाम लाए हो? फूल चक्र महाराज का दूत हूँ। क्या समाचार लाए हो? ये पत्र लेकर के आया हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है सब। पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाओ। हाँ इसमें लिखा हुआ है सब्जी मंडी में होता है रोज फलों का मेला, आशिकुआ नारंगी पर संतरा और केला, चटनी चेचे कर रही सौंट रही है, खाना है तो खालो नहीं उठी जाती है पेंट, उठी जाती है पेंट, चकाचक गर्म कचौड़ी, दाल से नमकीन मसाले दार पकौड़ी, रसगुल्ला जी सो गए चंद्रकला के संग, ये नजारा देख के लड्डू रह गया दंग के जल गई बालू साई, कहे इतवारी लाल ये दावत खूब बनाई। ये दावत का समाचार सुनाने के लिए आए हमको? महाराज गलती हो गई। ये हलवाई का पर्चा था, आपका तो इधर है। श्री श्री 108 श्री श्री महाराज अदराज को फूल चक्र महाराज का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। बात प्रणाम के हाल ये है कि हमारी बेटी फूलंदे बर के योग हो चुकी है। देश के राजाओं पर पत्र का भेज दिया है, यहाँ स्वयंवर रचाया जा रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी राजा मछली का निशाना लगाएगा वो ही फूलंदे के साथ में विवाह करेगा। 80 गज ऊंची मछली टांगी जाएगी, नीचे गरम तेल का कड़ाह होगा, जो भी राजा या अथवा राजकुमार नीचे को देख करके ऊपर को मारेगा, मछली का निशाना लगाएगा, उसी के साथ में फूलंदे का विवाह हो जाएगा। थोड़ा लिखना बहुत समझना, खत लिखता हूँ खताबार हूँ, बाल बच्चे मर गए मैं खुद बीमार हूँ। क्या जाओ मेहमान खाने में जाओ। ए जी मेहमान खाने में जाओ। वहाँ मेहमान खाए जाते? नहीं तुम्हारी मेहमान नवाजी होगी। अच्छा। और हम जरा ये पत्र हमें दो। अच्छा हम बड़ी रानी से विचार विमर्श करके अभी आ रहे हैं। ठीक है लेकिन ध्यान रहे हम जब भी बुलाएं जब भी हाजिर हो जाना। ठीक है महाराज। जाओ महाराज। मेरा नाम नहीं पूछा महाराज। इतने सज बन के कहाँ जा रहे हैं आप? रानी आज बहुत शुभ समाचार सुनाने के लिए तुम्हें आए हैं। अच्छा सुना दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। हाँ बनठन सज धजी अदासे अरशहिल शाह पंजा और किया इरादा कहा का
तिलाइए तो जना मुस्काते हो बने थने चौदवी रात के चांद नजर आते जवान से है मेहरबान मन और बिल्कुल दिखलाते हो जापना क्यों किधर कहां तशरीफ लिए जाते हो बताएंगे सजतन पर कसे हथियारी बदल पर सूरत कहाँ करी गवन की प्राणपति भूपति निरपति कहिए अपने मन की रानी तुमने महाराज फूल चक्र का नाम तो सुना होगा हाँ कुसुम नगर के रहने वाले हैं जी कुसुम नगर से प्राण प्रिया और ये खत आया आज अज रचा स्वयंवर सुता करानी वहाँ फूल चक्र महारा चक्र ने अपनी लड़की का स्वयंवर रचाया है और स्वयंवर की शर्त यह है कि टंगा टंगा मछली ये पैज करी है और जो कई मारेगा मीन उसी को रानी जावेगी सुता तो बड़ी है
पास भी ये खत भेजा है। खत पढ़ते ही जगा काम मेरे यही दिल बीच भरी है, और मैं वहां छत्रपति के और मान मार के फूलन दे भरूंगा भरी है। परम शुभ सुमुख ज्ञानी मैंने ठान ये दिल में ठानी करूं उजागर मही पालन में अपनी शाल कोट रजधानी। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन इस उम्र में हाँ? आपको विवाह करना ठीक है क्या, क्या उचित है ये? अरे क्या हुआ हमारी उम्र को? अच्छा हाँ? क्या, आप, क्या चाहती हो? आप समझते हो मैं अभी बुढ़ा नहीं हूँ? कही मानो स्वयंवर न जाओ पिया कहीं मानो स्वयंवर, आप बूढ़े हुए वो नौजवान आएगी, आप बूढ़े हुए वो नौजवान आएगी, लज्जते बसल जब जनाब में न पाएगी, लज्जते बसल जब जनाब में न पाएगी। क्या होगा? तके गैरों को, तके गैरों को तुम्हें सिंग पे खिलाएगी, ये सारी शान से की खाक तुम्हें मिलाएगी, ये सारी शान से की अपनी इज्जत को बट्टा लगा मती कहीं मानो स्वयंवर, महाराज सतर कर रखी ईश्वर ने मेहरबानी है, सतर कर रखी ईश्वर ने मेहरबानी है, मिसाल चांद एक फरजंद भी लातानी है, मिसाल चांद एक फरजंद भी लातानी है, सफेदी आ गई सब ढल चुकी जवानी है, सफेदी आ गई सब ढल चुकी जवानी है, राम का नाम जपो छोड़ दो नादानी है, राम का नाम जपो छोड़ दो नादानी है, और प्यारे इज्जत को बट्टा लगाओ मती कहीं मानो स्वयंवर। हम तो तुम्हें खुशी का समाचार सुनाने के लिए आए थे और तुम्हों के हमें नसीहत देने लगी, तुम्हें मालूम नहीं कि क्षत्रियों के क्या क्या धर्म होते हैं? धर्म राजपूत और क्षत्रिन के वो अनेकों ब्याह करते, धर्म करते हैं, और जा बजा जा
से अंबर में अनेकों डार बढ़ते देख श्री कृष्ण ने आगे आगे बड़ी कितनी प्रिया प्यारी के जिनकी वेद और वो शास्त्र अब तक साथ भरते हैं के जिनकी वेद और हम तुम्हें यही बता दें कि पत्र समाचार कौन लाया था? कौन लाया था? पत्रवाहक महाराज आओ चलिए महाराज जल्दी ये करिए। चले कैसे ये कह रही है कि तुम बुढ़े हो गए कौन तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए बुढ़े आप आप ये हमारी रानी है महारानी जी प्रणाम पत्र लेके आप आए थे जी ये बुढ़े नहीं है हाँ ये विवाह करने के लिए जा रहे हैं विवाह हाँ, करने हाँ, के लिए लेकिन इनकी लेकिन आपको शर्म नहीं आई किस बात पत्र की पत्र लेके चले आए यहाँ पर है इनकी उम्र तो नहीं है उम्र क्या है इनकी उम्र है इनकी नहीं मैं बता दूं महारानी जी ब्याह करन की चाह करे तो 20-25 के भीतर कीजिए 30 भये जब खीस भये 40 भय पे कोई न रीजे जो 60-70 पे विवाह करे तो बाकी मोड़े तमाचे ही तमाचे दीजे महाराज क्या गलती क्या हो हम तुम्हें अपनी तारीफ के लिए बुलाया है कि हाँ हमारी तोहिन के लिए ओ मैं आपकी तारीफ करूं अभी लो महारानी जी त्रिया यौवन 30 वर्ष तक बैल को जोबन 25 और मर्द को जोबन 60 वर्ष तक घर में हो चुमाई मर्द का कुछ मैं नहीं तो एक बात पूछना चाहती हूँ जी तुम ये बताओ इन्हें विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए है? नहीं करना चाहिए हाँ। नहीं करना चाहिए नहीं। क्या कह रहे हो नहीं करना चाहिए अरे मना नहीं। कर रहे हो कि हाँ कर रहे हो हम जाएंगे जरूर आप मानेंगे नहीं नहीं अच्छा आपको पछताना होगा देख लो देखा जाएगा हमने पछताया कभी नहीं पछताया मैंने समझा दिया अब आप चलो भाई मैंने भी नहीं माना था कहा चलो चलते हैं आई महाराज महाराज सभी राजा लोग आ रहे हैं और देखिए जयपुर से मैं मछली भी ले आया महाराज के लिए आसन का आसन ग्रह अभी लो आसन और सब राजाओं को बुलाया जाए सभी राजा लोग आ रहे हैं अभी आ रहे मछली टांग दू पहले तैयारी की जाए हाँ तैयारी हो रही है महाराज राम नमस्कार कौन है आप कौन है राजा हम राजा हैं राजा राजा और आप ठीक है कहां से आए हैं आप हम आए हैं जयपुर से जय सिंह राजा हैं जय सिंह राजा ओ वाह 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 जयपुर वाले आइए आइए महाराज अदराज 9 नंबर कुर्सी हाजिर है आपके लिए बैठ जाइए यही स्थान ग्रहण कर लो आइए राजा लोग आइए जय हो महाराज आइए महाराज धन धन श्री ऊंट जी मारवाड़ के हंस कालापन का मिल गया तुमको मुफ्त लाइसेंस देखकर रूप अनूपा उठनी के पतदेव गधा के लगते भूपा बैठिए महाराज आप कहाँ के राजा हैं हम जयपुर के राजा जी जरा जोर से बोलिए जयपुर के राजा हैं हम जयपुर के हाँ जी वाह सभी जयपुर से ही चले आ रहे हैं अच्छा जी बैठिए आप किस लिए आए हम मीन मारने के लिए आए हैं मीन मारने के लिए हाँ जी। तो निशाना लगाइए ये मीन है ये मछली टंगी सुनो नीचे देखो ऊपर मारो